हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। और आज हम हाजिर हैं डाउट नंबर 24 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ, जहां पे मोशन इन वन डायमेंशन, हां जी, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन का डाउट नंबर 4 के साथ हम हाजिर हैं। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से और खुद से करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब आप खुद से चीजें ट्राई करते हैं तो कम से कम आपको यह पता लगता है कि मैं इसको सोल्व क्यों नहीं कर पाया, किस चीज की कमी थी, वो चीज निकालनी कैसे, यानी आपको टारगेट पता चल जाता है, क्या सीखना है इस क्वेश्चन से आपको वो पता चल जाता है, और फिर मैं आपको करवा देता हूं। ओके, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से हम ये भी जानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमेशा यूज नहीं करना होता, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहती है। क्यों बताऊंगा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एट टी इक्वल टू जीरो बोथ द कार ड्राइवर स्टार्ट ब्रेकिंग, दोनों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे इसको ये दिखा इसको ये दिखा ब्रेक मारने स्टार्ट कर दीजिए कर दिए। क्यों भाई, सड़क तंग है और एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे बचने के लिए दोनों ने स्पीड कम करनी स्टार्ट कर दी। तो बोलता है इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही, ये अपनी स्पीड हर सेकंड 5 कम करता है, तो बताओ ये अपनी स्पीड हर सेकंड कितनी कम करे कि इनका कोलिजन ना हो, जस्ट अवॉइड कोलिजन, जस्ट यानी ये अगर यहीं रोक लेगा और ये यहां रोक लेगा फिर तो जस्ट नहीं हुआ ना, काफी दूरी है, यानी बिल्कुल बिल्कुल पास पास आगे रुक जाए, यानी वो पॉइंट कौन सा होगा, कोई भी हो मान लिया ये है। लेकिन एक बात तो पक्का है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जीरो हो जानी चाहिए और इसकी भी स्पीड जीरो हो जानी चाहिए, तब एक्सीडेंट जस्ट अवॉइड होगा, जस्ट बच जाएगा होने से, है ना। एक्सीडेंट अगर बचाना है तो दोनों को जिस पॉइंट पे आप मिलाएंगे ना, दोनों जहां पे मिलेंगी वहां पे दोनों की स्पीड जीरो हो चुकी होगी पहुंचते पहुंचते, हाँ ये तो बात है सर, तब एक्सीडेंट अवॉइड होगा। तो इसकी स्पीड कहां जाके जीरो होगी, एक्सेलरेशन इसकी गिवन है, स्पीड इनिशियल गिवन है, तो इसके एक्सेलरेशन हम किससे निकाल लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये ए की, ये ए की, ये भी ए की, है ना, हाँ। तो वी ए फाइनल वेलोसिटी ए की जीरो हो जानी चाहिए जहां पे कोलाइड करेंगी दोनों, है ना, जहां पे दोनों मिलेंगी, कोलाइड तो होगा ही नहीं, जीरो से मिलेंगी तो क्या कोलिजन हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, नहीं हुआ। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, माइनस 20 थी, 20 का स्क्वायर 400, अच्छा भाई 2 इंटू एक्सेलरेशन ए की माइनस 5, क्योंकि स्पीड घटती जा रही है तो माइनस 5 ले लिया, और एस वो डिस्टेंस जहां जाके ये रुक जाएगी, जीरो स्पीड हो जाएगी, तो भाई ये 10 हो गया, 10 इसकी जीरो काट देगा, एस इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस। ओके, तो 40 मीटर पे जाके ये रुक जाएगी, यानी ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर चली, यानी हमें ये पता चल गया। अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है प्यारे बच्चों, वो 200 मीटर गिवन है, ये 200 मीटर गिवन है। ओके, ये लिख लीजिए आप। अच्छा, तो इसको कितना कवर करना है, इसको कितने में, कितने के अंदर अंदर जीरो हो जाना है इसकी स्पीड को, 160 मीटर के अंदर अंदर, ये तो 160 मीटर बचाना, ये 200 मीटर गिवन था आपको, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं। ओके सर, हमने तो ट्राई भी कर लिया था, अरे नो प्रॉब्लम, हो जाता कई बार, इतना हुआ क्लियर। अब सुनो, तो 160 मीटर के अंदर अंदर इसको वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए इसकी, अगर टकराने से रुकना है तो, ये यहां आगे रुक जाएगी, ये यहां आगे रुक गई, ठीक है ना। तो इसको 160 मीटर के अंदर अंदर रुकना है, तो फिर से वही v square minus u square is equal to 2as, ये b की बात हो रही है, तो ये भी b का, ये भी b का, ये भी b का, तो फाइनल वेलोसिटी b की जीरो हो जानी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 थी, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, यहां से निकाल लेंगे डिस्टेंस उसको 160 मीटर ट्रेवल करनी है, तो 1600 कैंसल, 16 × 32 = 32, 50 × 160, तो एक्सेलरेशन b की भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ, समझ गए ना, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन उस तरफ, इसकी भी स्पीड हर सेकंड 5 घटती जानी चाहिए, तब यहां आगे रुक जाएगा ये भी। आई बात समझ में, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बिल्कुल सही भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से करवाऊं, करवा दो सर, बिल्कुल आसान है वो भी, सुनो भाई ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से करवाता हूं। ये कार ए है जो इस तरफ जा रही थी, ये कार बी है, ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, ओके, ये कार बी है जो इस तरफ 40 से जा रही थी, ये कार ए है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
ओके हाँ, लेकिन ये रिटार्डेशन है तो माइनस। अब सुनो, और इसकी एक्सेलरेशन हमें बी की फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव एक्सेलरेशन, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो इसको रेस्ट पे ले लूं। हाँ सॉरी, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी ए की बी के हिसाब से निकालूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, इसको रेस्ट पे ले लोगे तो इसको रेस्ट पे ले लोगे तो ये 40 इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी इस तरफ, तो ये 60 से आता हुआ लगेगा इसको। कॉमन सेंस है यार, कितनी बार तो सिखा चुका हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 60, एक दूसरे की तरफ 60 से आ रहे हैं। हाँ अच्छा, अब ये यहां तक पहुंचते पहुंचते रुक जाना चाहिए, है ना, ये तो रेस्ट पे मान ही लिया। हाँ तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है टोटल की टोटल इसी को करनी है 200 मीटर। हाँ और इसके हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, फाइनल वेलोसिटी तो ए की बी के हिसाब से जीरो हो जानी है, रुक जाना चाहिए यहां पे आके। हाँ लेकिन इसकी एक्सेलरेशन, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, अब ये हमें निकालना है। क्लियर? तो ये कितनी है भाई, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस 5 माइनस में एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऐसे पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। बिल्कुल, अब हो जाओ शुरू। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये a का b के रिस्पेक्ट में, a का b के रिस्पेक्ट में, a का b के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस 200 मीटर कवर करनी ही है। ये जीरो फाइनली रुक जानी चाहिए ना यहां आगे, तभी तो कोलिजन नहीं होगा। हाँ ये 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है भैया, माइनस 5 माइनस ए बी, माइनस 5 माइनस ए ऑफ बी इंटू मैस, डिस्टेंस 200 मीटर कवर करनी है, ठीक है। हाँ तो 200 की डबल जीरो से कैंसल, बिल्कुल 5 2 10, हाँ तो ये 10 2 20, ये 2 भी है ना, हाँ तो ये 2 2 4, 4 इसको 9 पे काट देगा, मानते हैं आप ये बात, बिल्कुल। तो यहां से -9 इज इक्वल टू -5 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगी इक्वल टू -9 + 5 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जबकि यहां पे आई थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वाले से अलग और कॉमन सेंस, जो कि गलत है ही नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो 100 का 100 सही है, गलत नहीं है। तो ये कैसे गलत हो गया सर? अब सुनो भैया, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात बताने वाला हूं रिलेटिव वेलोसिटी में। ये जब हम तरीका यूज करते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी का, तो इसमें हम मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की बात करते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, जब अगर मैं एक बात बताऊं, ये जो एक्सेलरेशन आया ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गलत आई है। क्यों सर? क्योंकि ये जो रिलेटिव वेलोसिटीज आपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ली है ना, सोचो अगर ये कार ना होके एक पार्टिकल होता, सिंपल एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है -5 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से एक्सेलरेशन से, हाँ 20 स्पीड थी प्यारे बच्चों, तो 1 सेकंड के बाद स्पीड घटके 15, 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 5, 4 सेकंड के बाद 0 हो गई स्पीड। लेकिन वो जो उस तरफ से आ रही है गाड़ी, उस तरफ से आ रही है गाड़ी, या जो उस तरफ से आ रहा है पार्टिकल, वो अभी यहां पहुंचा है, वो अभी यहां पहुंचा है भैया, इस तरफ आ रहा है ना। हाँ तो आपको आपने इसको तो 0 कर दिया, वो अभी आ ही रहा है, तो क्या जस्ट वाली कंडीशन पूरी हुई? नहीं हुई। इसके केस में जस्ट वाली कंडीशन कब पूरी होगी? अब जब ये 0 हो गई इसकी वेलोसिटी, ये रुक गया, तो एक्सेलरेशन अब कितनी है? 5 ही है, लेकिन इस तरह भैया, जब ये घटती गई यहां आ गया, अभी भी एक्सेलरेशन 5 है इसके पास, और इस डायरेक्शन में है वो, तो अब अगली सेकंड में ये बढ़ के फिर से 5 हो जाएगी, +5 हो जाएगी स्पीड इस तरफ, फिर 10 हो जाएगी इस तरफ, और जब ये पार्टिकल, ये वाली कार यहां पहुंचेगी ना, तब ये यहां कहीं आ चुका होगा, तो क्या जस्ट वाली कंडीशन पूरी हुई ना? तो फिर सर कार वाले केस में कैसे हो जाएगी? कार वाले केस में भी तो ये कार, जब ये दूसरे वाली कार यहां पहुंचेगी, ये वापस जा चुकी होगी। अरे नहीं भैया, कार में ब्रेक लगते हैं,
कार में जब जीरो वेलोसिटी हो गई उसके बाद कार कहीं नहीं जानी, क्या स्पीड घटते घटते जीरो, जब जीरो हो जाती तो कार फिर वापिस जाना स्टार्ट कर देती है ना, रुकी रहती है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, आप अगर यहां पे क्वेश्चन में पार्टिकल लिखा होता ना, यहां पे अगर कार की जगह पार्टिकल लिखा होता तो आप अप्लाई कर सकते थे, ओके। और अगर कार लिखा है तो कॉमन सेंस से पहले कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ना हो फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे आना है, ओके क्लियर। और यहां पे पार्टिकल लिखा है फिर आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक चलता है। ये इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस, ये ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन हमने इसमें तो ए का किसी के रिस्पेक्ट में वगैरह लिया ही नहीं, सिंपल रखा है ना, सिंपल रखा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगली जो डाउट में इस तरह की कंडीशंस क्लियर है ना, कार है तो कॉमन सेंस, ओके, जब भी एक्सीडेंटल वगैरह के केस आए तब, पार्टिकल है और एक्सीडेंटल वगैरह के केस आए तब रिलेटिव वेलोसिटी ही यूज करना, कॉमन सेंस पे मत जाना, तब सिर्फ यही यूज करना, ओके। आंसर्स का फर्क मिला, और ये फोर है ना, ऑप्शन ए दिया मिलता है और आप फटाक से क्लिक कर देते हो, ऑप्शन बी फाइव देखते तक नहीं और हो जाता गलत, ठीक है भाई। ये डाउट कई बार आए हुए नीट में, आईआईटी जेई में और टीचिंग एग्जाम्स में, काफी सारे में, केवीएस वगैरह में पूछी है, तो बताया आपको। अब 25th प्रॉब्लम बाकी है, नेक्स्ट में देखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जहां कोई डाउट आए तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, पॉज कीजिए 9729856173 पे कॉल कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, जय हिंद।